नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में 10 जनवरी 2018 के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल इंडियन स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना स्टडी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 75वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त हुआ? पहला ऑप्शन से आपका जेसिका लेंच, दूसरा ऑप्शन से आपका निकोल किडमैन, तीसरा ऑप्शन से आपका रीज वदरस्पून और लास्ट ऑप्शन से दोस्तों आपका वो है आपका ओपेरा विनफ्रे। दोस्तों जो सही उत्तर है वो है आपका निकोल किडमैन। कौन है दोस्तों? निकोल किडमैन को 75वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय मूल के किस अभिनेता, ध्यान रखना दोस्तों, भारतीय मूल के किस अभिनेता को गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में म्यूजिकल कॉमेडी टीवी सीरीज का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चयनित किया गया? पहला ऑप्शन से आपका अजीज अंसारी, दूसरा ऑप्शन से आपका इरफान खान, तीसरा ऑप्शन से आपका संदीप बजाज और लास्ट ऑप्शन से देवेंद्र मलिक। तो दोस्तों सही उत्तर है वो है आपका अजीज अंसारी। सही उत्तर क्या है दोस्तों? अजीज अंसारी। अजीज अंसारी को जो भारतीय मूल के हैं गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में म्यूजिकल और कॉमेडी टीवी सीरीज का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चयनित किया गया। ठीक है दोस्तों, और ये भारतीय मूल के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत ने किस देश के लिए किस देश के किए समझौते के तहत मुस्लिम महिलाओं को पहली बार पुरुष साथी के बिना हज यात्रा के भेजने का निर्णय किया गया? यानी कि जो महिलाएं हैं वो अपने पुरुष साथी के बिना भी हज यात्रा पर जा सकती हैं। पहला ऑप्शन से आपका यमन, दूसरा ऑप्शन से आपका मिस्र, तीसरा ऑप्शन से आपका कुवैत और लास्ट ऑप्शन से सऊदी अरब। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो है आपका सऊदी अरब। तो यानी कि सऊदी अरब और भारत के बीच एक समझौता हुआ जिसमें मुस्लिम महिलाओं को पहली बार पुरुष साथी के बिना भी हज यात्रा भेजने का निर्णय दिया गया। और दोस्तों आप सभी को जानते हैं कि सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं वो हैं आपका मोहम्मद बिन सलमान। कौन है दोस्तों? मोहम्मद बिन सलमान। और सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो है आपकी रियाल और जो राजधानी है वो है आपकी, सऊदी अरब की राजधानी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में आयोजित किए जाने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों के मद्देनजर दक्षिण कोरिया तथा उत्तर कोरिया की वार्ता आयोजित की गई? यानी कि किस देश में शीतकालीन ओलंपिक खेलों के मद्देनजर रखते हुए दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की मद्वार्ता जो आयोजित की गई वो किस देश में की गई? पहला ऑप्शन से आपका चीन, दूसरा ऑप्शन से आपका रूस, तीसरा ऑप्शन से आपका दक्षिण कोरिया और दोस्तों जो लास्ट ऑप्शन से वो है आपका उत्तर कोरिया। तो दोस्तों सही उत्तर है वो है आपका दक्षिण कोरिया। सही उत्तर क्या है दोस्तों? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में शीतकालीन ओलंपिक खेलों के मद्देनजर रखते हुए दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की मद्वार्ता आयोजित की गई, उसे दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया। ठीक है दोस्तों, और दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो है आपकी सियोल। राजधानी क्या है दोस्तों? सियोल। और दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं आपके मून जेई इंग। कौन है दोस्तों? मून जेई इंग। और इससे पहले जो राष्ट्रपति थे पार्क गुआन हे, वो किसी क्या नाम है घोटाले में फंस जाने के कारण उन पर महाभियोग चला के हटा दिया गया था उन्हें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य में 18वां अखिल भारतीय व्हिप सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? 18वां अखिल भारतीय व्हिप सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। पहला ऑप्शन से आपका दिल्ली, दूसरा ऑप्शन से आपका राजस्थान, तीसरा ऑप्शन से आपका बिहार और लास्ट ऑप्शन से दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश। दोस्तों जो सही उत्तर है वो है आपका राजस्थान। राजस्थान में 18वां अखिल भारतीय व्हिप सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों राजस्थान की राजधानी तो आपको पता है जयपुर, और राजस्थान की जो मुख्यमंत्री यानी कि सीएम है वो कौन है दोस्तों? वसुंधरा राज सिंधिया। कौन है दोस्तों? वसुंधरा राज सिंधिया। ठीक है दोस्तों, वसुंधरा राज सिंधिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्ष 2018 के प्रवासी संसदीय सम्मेलन में कितने देशों के 124 सांसद भाग ले रहे हैं? यानी प्रवासी संसदीय सम्मेलन में 2018 के कितने देशों के 124 सांसद भाग ले रहे हैं? पहला ऑप्शन से आपका 23, दूसरा ऑप्शन से आपका 24, तीसरा ऑप्शन से 25
और लास्ट ऑप्शन से आपका 26। तो दोस्तों सही उत्तर है वो है आपका 23। 23 देशों के सांसद भाग ले रहे हैं प्रवासी संसदीय सम्मेलन में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका के कितने गुरुद्वारों में भारतीय अधिकारियों के घुसने पर रोक लगा दी गई है? देखिए दोस्तों, अमेरिका के कितने गुरुद्वारों में भारतीय अधिकारियों को घुसने के लिए रोक लगा दी गई है? पहला ऑप्शन से आपका 96, दूसरा ऑप्शन से आपका 10, तीसरा ऑप्शन से आपका 15 और लास्ट ऑप्शन से आपका 125। तो दोस्तों सही उत्तर है वो है आपका 96। 96 गुरुद्वारे ऐसे हैं अमेरिका के अंदर जिनमें भारतीय अधिकारियों को घुसने के लिए क्या लगा दी गई है दोस्तों? रोक लगा दी गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीसीसीआई ने डोप टेस्ट में फेल हुए यूसुफ पठान पर कितने महीनों का प्रतिबंध लगा दिया गया है? बीसीसीआई ने डोप टेस्ट में फेल हुए यूसुफ पठान पर कितने महीनों का प्रतिबंध लगा दिया गया है? पहला ऑप्शन से आपका 4, दूसरा ऑप्शन से आपका 7, तीसरा ऑप्शन से आपका 8 और लास्ट ऑप्शन से आपका 5। तो दोस्तों सही उत्तर है वो है आपका 5। सही उत्तर क्या है दोस्तों? 5 महीनों के लिए यूसुफ पठान पर रोक लगा दी, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया गया है बीसीसीआई में, क्योंकि ये डोप टेस्ट में क्या होगा दोस्तों? फेल हो गए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर कोरिया और किस देश के बीच 9 जनवरी 2018 को 2 से अधिक सालों के बाद पहली बार औपचारिक बातचीत हुई? पहली बार औपचारिक बातचीत हुई। ठीक है दोस्तों, पहली बार ऐसा हुआ कि इन दोनों के बीच औपचारिक बातचीत हुई उत्तर कोरिया और किस देश के बीच? पहला ऑप्शन से आपका दक्षिण कोरिया, दूसरा ऑप्शन से आपका चीन, तीसरा ऑप्शन से आपका नेपाल और लास्ट ऑप्शन से आपका जापान। तो इसका सही जो उत्तर है वो है आपका दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच 9 जनवरी 2018 को 2 से अधिक सालों के बाद, कितने दोस्तों? 2 से अधिक सालों के बाद पहली बार औपचारिक बातचीत हुई। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिक एवं अंतरिक्ष यात्री जॉन यंग का निधन हो गया? कौन दोस्तों? जॉन यंग का निधन हो गया। पहला ऑप्शन से आपका जॉक्सा, दूसरा ऑप्शन से आपका नासा, तीसरा ऑप्शन से आपका इसरो और लास्ट ऑप्शन से आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो है आपका नासा, यानी कि जॉन यंग जो है वो नासा अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिक एवं अंतरिक्ष यात्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। और जॉन यंग उनका रिलेटिव किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? वो है आपका नासा, नासा से इनका रिलेशन है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने नियंत्रण रेखा के पास कितने हजार बंकरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है? कितने हजार बंकरों के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है? पहला ऑप्शन से आपका 8,000, दूसरा ऑप्शन से आपका 7,000, तीसरा ऑप्शन से आपका 12,000 और लास्ट ऑप्शन से दोस्तों आपका 14,000। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो है आपका 14,000। 14,000 बंकरों के निर्माण को केंद्र सरकार ने क्या दे दी है दोस्तों? मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारतीय दवा महानियंत्रक ने खराब गुणवत्ता का हवाला देते हुए कितने प्रमुख चीनी दवा कंपनियों से दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? क्या लगा दिया दोस्तों? प्रतिबंध लगा दिया। कितने देशों से, सॉरी क्या नाम है, भारतीय दवा महानियंत्रण खराब गुणवत्ता का हवाला देते हुए कितने प्रमुख चीनी दवा, यानी कितनी प्रमुख चीनी दवा कंपनियों से दवा निर्माण के इस्तेमाल में होने वाली सामग्री के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? पहला ऑप्शन से आपका 6, दूसरा ऑप्शन से आपका 12, तीसरा ऑप्शन से आपका 20 और लास्ट ऑप्शन से आपका 25। दोस्तों सही उत्तर है, सही उत्तर आपका क्या है दोस्तों? सही उत्तर है आपका 6। सही उत्तर क्या है दोस्तों? 6। 6 कंपनियों से आयात होने वाली दवा पर क्या लगा दिया है दोस्तों? प्रतिबंध लगा दिया गया, और ये सारी कंपनियां चीनी की हैं, यानी कि चीन की हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल इंडियन स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 7007981465 है, इस पर आप मुझे इंडियन स्टडी लिखकर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल इंडियन स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना स्टडीज़ रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।